टेलीविजन में सदाबहार आर्टिस्ट, बेशुमार सीरियल ड्रामे उन्होंने क्रिएट करन, प्रभारी फिल्म थी और बेशुमार बड़े प्यारे इंसान तुसने भरपूर तालियां अपना अवार्ड करने वास्ते तशरीफ करके आने पे ने नईम खान। नजाकत नाज नजार साहब ने एक और भी जनाब क्रेडिट है कि इन्हें की इतना खूबसूरत ये मजाइया पठवारी एक्टिंग करने कि इन्हें की पठवार ना मनोहर जरीफ भी आख्या जाना है। इस तो बाद जिसकी बारी है जी वो शख्सियत जिसका मैं नाम के इंसान तो सने चेहरे पर मुस्कुराहट आ जैसी गई बड़ी सीनियर फनकारा रेडियो ना बड़ा गहरा ताल्लुक पटवारी जेडे झांझर प्रोग्राम सुनने रहे उस यकीन उन्होंने करना जो आवाज़ आज भी आनी हो सी गी। और उस तो अलावा टेलीविजन बहुत बेशुमार वर्स स्टाइल काम किया पटवारी फिल्म की एक नई रूह बख्शी ना और असल मैं खुद भी इतराफ कर सकता कि मैं इतनी अच्छी पटवारी नहीं बोलना वा लेकिन जितनी अच्छी मैं पटवारी सीखी है या समझ आई है या कोशिश की थी है वही ना मैडम को मैं क्योंकि इन्होंने बेसिक पटवारी बोले बड़ी अंदर ठेठ पटवारी बोले और तुसा भी यकीन ने बड़ा मजा आना है उन्हें चंद गल्ला भी करसा गप्पा भी मारसा इन्हों का तो मैं ज्यादा देर उन्होंने तुसने दरम्यान चाहे भी रहना चाहना वा भरपूर इस्तकबाल करो तुसानी भरपूर तालियां अवार्ड बनवाए ने भला वे अल्लाह ने वाले
बहुत शुक्रिया जी। जीने रहो तो बसने रहो, पटवार ने वासियों तो पटवार ने बेलियो। अगला अवार्ड है जी, असने थोड़ी देर पहले उन्होंने परफॉर्मेंस पेश की थी है, बड़ा खूबसूरत गाने पे सन, बड़े खूबसूरत गुलकार हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी और प्रोग्राम सजाने से उन्होंने असान बड़ा तामन किया है। यह जी सारी डेकोरेशन सारी चीज़ा तुम तकने पे हो, इसने रूह रवान उन्होंने सरप्रस्ती की थी है। मैं उन्होंने दावत दे सकता अपने अवार्ड कन्या तशरीफ के कारण तुम्हें भरपूर तालियां जुजैन और हसन। शुक्रिया। मैं आशिक सलेह साहब की जहमत देसा के चंद अल्फाज असने इस प्रोग्राम ने वाले नाल भी और पटवारी ने वाले नाल भी तो सानी गोश गुजार करन, तो सानी भरपूर तालियां जा आशिक सलेह या साहब। मामू अस्सलाम वालेकुम। ये पप्पू जो डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, डांसर भी है, सब कुछ है, आज ये पता चला कि वो अवार्डर भी है, अवार्ड तो वाले वाला भी है, तो इसकी ये जो कोशिश है बहुत अच्छी थी। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और सब लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी अता करे और पटवारी फिल्मों का वो दौर मिकी खड़ोल नेट वापस आए। आमीन। और पटवारी फिल्मों की बुनियाद रखने वाले अंजुम मलक वल्ला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसकी इसकी हलाल की रोजी कमाने की तौफीक अता फरमाए, जिस तरह ये कमार है अल्लाह ताला इसको। और पप्पू पप्पू मेरा भाई है, मैं अकेले दे दूंगा आपको। मेरी रोजी को छोड़ें, इसकी रोजी को सोचें। अब अगला सेगमेंट असान जनाब ये अवार्ड वाला सिलसिला है, मैं जहमत देसांगा बड़े मोहतरम हस्ती असाने आर्ट्स काउंसिल ने रेजिडेंट डायरेक्टर बड़ी प्यारी शख्सियत बड़े प्यारे असाने भाई बड़े भाई सरप्रस्ते आला पिछले कुछ 6 महीने 7 महीने बल्कि 2 साल तो तुम देखने पे हो कि आर्ट्स काउंसिल रेगुलर ड्रामेटिक जी एक्टिविटीज़ हैं और बड़ी भरपूर तरीके होनी पे जिस तुम्हें ड्रामा भी दिखाया जाना है, म्यूजिक ने प्रोग्राम भी मुशायरे भी सारी चीज़ा और इस तो अलावा भी असा बेशुमार इतना प्रोग्राम्स करने रहने हैं और ये सब इन्होंने मरूने मेहनत है और मैं अल्लाह ताला ना शुक्र गुजार हाँ कि उन्हें असा की नाहिद मंजूर साहब की शक्ल एक ऐसी मोहतरम शख्सियत दी है इनायत की है जेडे सारी जिंदगी असानी सरप्रस्ती करने रहन, असाने सिर पर खलोते रहन, असा की उंगली पकड़ के चलाने रहन, कदम कदम पर असानी रहनुमाई करने रहन। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी देवे सलामत रखे, इन्होंने साया असाने सिर पर सलामत रखे और ये इसी तरह असानी फलाह बहबूद आस्ते काम करने रहन। तो मैं रेजिडेंट डायरेक्टर जनाब वकार साहब जेडे किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, बड़े हर दिल अजीज शख्सियत हैं और स्पेशली आर्ट लवर, आर्ट लवर रहो खुद जाने कि इतने ड्रामा हो, एक्टिविटीज़ होना आवाम की अच्छी तफरी मुहैया हो। अज इस अवार्ड ने फंक्शन भी असं चाह सके आ के अपने दस्त मुबारक न असने कुछ फनकारा की अवार्ड पेश करें, तो सरपूर तालियां जनाब वकार साहब।